हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि CUET सेकेंड फेज का एग्जाम आज से कंडक्ट होना था और फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। NTA ने एक नोटिस प्रोवाइड की है केरला कैंडिडेट के लिए, यानी जो भी कैंडिडेट केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके अलावा अदर स्टेट से भी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा पेपर अच्छे से नहीं हो पाया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने कमेंट किया है कुलदीप यादव ने कि मैडम हम UP से हैं और हमारा केवल हिंदी का ही हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ इन्हें हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिला है। इसके अलावा अदर पार्ट के क्वेश्चन इन्हें नहीं प्रोवाइड किए गए हैं सर्वर डाउन होने की वजह से। एक बच्ची का भी कमेंट आया था कि उनका GS का पोर्शन का जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं मिला है क्योंकि सर्वर डाउन था। तो ऐसे कई सारे कमेंट आ रहे हैं, ऐसे कई सारे कंप्लेन आ रही है बच्चों की कि उनका एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं हुआ है। NTA ने सिर्फ और सिर्फ केरला स्टेट के लिए नोटिस प्रोवाइड की है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए कोई नोटिस नहीं प्रोवाइड की गई है कि इनका एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाया है सर्वर डाउन होने की वजह से या क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की जो भी नोटिस मुझे मिलती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी मुझे प्रोवाइड होगी या जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आप तक तुरंत पहुंचा दूंगी। तो प्लीज आप चैनल से जुड़े रहें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।